हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा लहंगे के लिए लटकन बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका, और वो भी ऐसे लटकन जो मार्केट में आपको 300 रुपए में मिलेंगे लेकिन आप घर पर सिर्फ 30 रुपए में बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, वीडियो पे बने रहिए, वो भी उन चीज़ों से जिन्हें आप फेंक देते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना। अगर आप भी घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। चलिए वीडियो शुरू कर। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने तो फिलहाल सबसे पहले एक चाकू ले रखा है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो मोती हैं ये मैंने टोन्स ले रखे हैं, और यहाँ पे ये मैंने गोटा भी ले रखा है। और उसके अलावा ये वो रोल है जिसमें कि हम अगर ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं तो वो चीज़ें आती हैं, ये वो वाला रोल है, ठीक है। तो इसके जो है मैंने कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको मैंने चाकू से काटा है। बाद में जो है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि एक छोटा ऊपर आ जाए, दूसरा जो बड़ा वाला है वो हमारा नीचे आ जाए। तो कैसे आएगा उसके लिए वीडियो पे बने रहिए। तो अभी ना ये कटिंग तो हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम इसको जो है कि लगभग इतना छोटा करेंगे, तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको जो है हम चाकू से कट कर देते हैं। तो अभी जो है ये वाला अपना जो है कट हो गया है, ठीक है। और ये जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये छोटा हो गया। अब इसके बाद में ना इसको जो है हम धागे से लपेट देंगे जिससे कि ये खुले ना। तो अभी जो अपने राउंड वाली शेप है ना, ये दोनों ये तैयार हो गई, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर का गोटा लिया है। इस गोटे को जो है हम इनको ऊपर कुछ इस तरीके से लपेटेंगे, और इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी ये जो हमारा कागज़ का ये जो रोल है ये ना दिखे। बस गोटे को इस तरीके से जो है हम इसमें लपेट देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों में जो है गोटे को लपेट लिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने ये मोती लिए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये वाले मोती जो है ना हम इसके दो जगह पे लगाएंगे, इसके जो है ना एक तो यहाँ पे लगा देंगे और जो दूसरा मोती है इसके अपोजिट लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है हम हाथ वाली सुई का यूज़ करेंगे, और इसमें मैंने डबल धागा डाला है। इसको जो है बस दो दो टाके मार के इसको अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी जो है दूसरा एक लग गया है, दूसरा वाला जो है इसके अपोजिट हम लगा देंगे, और इसी तरीके से जो है वो हम छोटे वालों में भी लगा देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने दो दो मोती लगा दिए हैं दोनों में। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और मोती लिया हुआ है, ठीक है। इसको जो है हम पहले इसका सेंटर में निकाल के यहाँ पर एक टाका लगाएंगे। इसमें मैंने चवर धागा डाला है, ठीक है, डबल धागा डाला। उसके बाद में चारों धागे एक से हो गए हैं, और अब जो है हम इसमें मोती डालेंगे। तो लगभग मैं यहाँ पे 10 मोती यूज़ करूँगा। तो इसमें जो है हम सिंपली इस तरीके से सुई में पोर लेंगे इसको, और 10 मोती जो है हम इसमें डाल। तो ये 10 मोती देखिए ये अपने डल गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब उसके बाद में जो है ना हम ये छोटा वाला लेंगे और इसके सेंटर में यहाँ पर टाका मार देंगे, और धागे को जो है हम खींच देंगे कुछ इस तरीके से, जो है वो अपने मोती आ जाएंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम इसके एक उस साइड देंगे, एक इस साइड देंगे, दो लेयर मोती की और देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अभी ना अपनी ये तीन लेयरें हो गई हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारा ये मेरे को लटकन लग रहा है। अब जो है हम सबसे पहले जो है ना सुई में मोती डालेंगे। इसके लिए मैंने नीचे गार्ड बांध ली है, और इसमें हम लगभग 10 से 12 मोती डालेंगे, और मोती जैसे कि आप देख रहे हैं ये डल गए, ठीक है। अब उसके बाद में ना इसके जो हमारा बड़ा वाला गोला है इसके नीचे वाली साइड में हम यहाँ पर टाका लगाएंगे। अभी ना अपनी नीचे की एक लेयर लग गई, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम दो लेयर और देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने तीन लेयर ऊपर दी हैं, ठीक है, और तीन लेयर हमारी नीचे आ गई। तो अभी जो है वो अपना हाफ लगभग लटकन कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में जो है ना हम ऊपर यहाँ पे टाका लगाएंगे। अब ये हम वो बनाएंगे कि अगर हम लहंगे में बांधेंगे तो उसकी जो डोरी होती है ना वहाँ पर बांधने के लिए हम यहाँ पर लगभग 10 से 12 मोती ऐड करेंगे। ऊपर वाली जो लेयर है वो अपनी कुछ इस तरीके से आएगी, और जो लटकन है अपना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर अभी भी आप वीडियो पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। छोटी सी रिक्वेस्ट है ये आपसे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच। कुछ इस तरीके से जो है वो अपना लटकन कम्प्लीट हो गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत अच्छा तरीका है घर बैठे लटकन बनाने का, जो कि अगर मार्केट से आप खरीदोगे लहंगे के लिए इतने बड़े लटकन कम से कम 300 रुपये में मिलेंगे। तो उससे अच्छा है कि घर पर बस 10 मिनट में 300 वाले लटकन बनाए बहुत ही आसानी से। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप भी घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस और चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।